नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 30 दशहरा ग्राउंड में। आपको बता दूं, इस दशहरा ग्राउंड में सबसे बड़ा रावण जो है दहन किया जाएगा। कल दशहरा है, आज रामनवमी है और परसों जो है भरत मिलाप जो है वो मनाया जाएगा। यहाँ पर आपको सभी रावण मैंने दिखाए थे, सेक्टर 16 जो है वहाँ पर 65 फीट का जो है रावण दहन किया जाएगा। लगभग हर दशहरा ग्राउंड में जितने भी रावण हैं, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, वो 50, 55 और 65 फीट के हैं। लेकिन इस ग्राउंड में जो मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आप जो रावण देख रहे हैं ये 85 से 87 फीट का है। हर साल जो है यहाँ पर इस दशहरा ग्राउंड में 85 फीट का जो है रावण दहन किया जाता है, लेकिन इस बार जो है 87 फीट इसकी ऊंचाई कर दी गई है। और आप मेरे साथ में देखेंगे कुंभकर्ण और उनके बेटे रावण के मेघनाथ यहाँ पर खड़े हैं, जिनको जो है कल दहन किया जाएगा श्री राम द्वारा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो इनके पैर हैं वो अभी नहीं लगाए गए हैं, जो बचा हुआ काम है वो किया जाएगा। और साथ ही इनमें जो पटाखे हैं वो इको फ्रेंडली यूज किए जाएंगे। प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर जितने भी पटाखे हैं वो सारे इको फ्रेंडली यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ ऑर्गेनाइजर्स जो यहाँ पर मौजूद है, ये उनसे एक बार जानते हैं और बात करते हैं। ये हमारा फरीदाबाद दशहरा कमेटी रजिस्टर्ड का 29वां दशहरा है जी। और हर बार हमारे रावण की लंबाई हम बढ़ा देते हैं 1-2 फुट जरूर। हम ये दर्शाते हैं कि अहंकार जितना भी बढ़ जाए, मनमानी जितनी भी बढ़ जाए, उस घमंडी का सिर आखिर में नीचा होता है, उसने जलकर खाक हो जाना होता है। इसलिए पिछली बार 85 फुट का बनाया था, इस बार हमने 87 फुट का रावण बनाया है और 80 फुट का मेघनाथ और 80 फुट का कुंभकर्ण बनाया है। तो ये कल शाम को 6:30 बजे इनका दहन किया जाएगा। यहाँ ग्राउंड पर हमारे बड़ी अच्छी एकाशी है, आतिशबाजी भी होगी और साथ साथ हमारे मंच पर पहली बार जो नीचे आतिशबाजी होंगी वो सारी इको फ्रेंडली होंगी, ग्रीन आतिशबाजी होगी। कोल्ड अनार जो बिजली से चलेंगे वो होंगे और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी अच्छी तरह चौक चंबर में कर ली है हमने। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और यहाँ पर CID के पुलिस वाले भी होंगे, सारी व्यवस्था इस ग्राउंड पर कर दी है। कब से चल रही है तैयारियाँ, कितने दिन लगे इस रावण को बनाने में? इस रावण को बनाने में हमारे करीब करीब 20 दिन लगे हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा लेट हमने स्टार्ट किया था तो 20 दिन लगे हैं। पर एकदम कारीगरों की टीम बुलंदशहर से आ गई, 15-20 लोगों की, इन्होंने मिलकर जल्दी काम कर दिया और हमने एक दिन पहले एडवांस ये रावण खड़े करवा दिए, ये तीनों पुतले खड़े करवा दिए। बात करें रावण के अंदर जो पटाखे लगाए जाते हैं, इस बार प्रदूषण बहुत ज्यादा है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ने मना किया है, तो इस बार रावण में किस प्रकार के पटाखे? ये आपको बताया कि मैंने नीचे जो भी हमारे पटाखे चलेंगे सब इको फ्रेंडली होंगे, वो ग्रीन पटाखे होंगे। जो हवाई जाएंगी ऊपर 150-200 फुट होंगी, उसका असर नीचे नहीं आता, वो ऊपर ही रहता है। अभी जो है इनके पैर नहीं लगे, इनके पैर अभी लगाए जाएंगे? हाँ, अभी पैर लगाए जाएंगे, इनमें ग्रीन आतिशबाजी भी लगाई जाएगी, वो कल लगाई जाएगी। कल लगाई जाएगी, हाँ जी। तो किस समय रावण बताया आपने? 6:30 बजे पुतले दहन का कार्यक्रम होगा, 5 बजे से कार्यक्रम हो जाएगा। बहुत सुंदर यहाँ पर झांकियाँ आएंगी, हनुमंत भी आएंगे, राम रावण युद्ध भी होगा, ढोल ढमाके नगाड़े के साथ यहाँ पर अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। यहाँ आने वाले सभी दर्शकों का सभी आनंद ले पाएंगे। यहाँ पर हमने पानी की व्यवस्था चारों तरफ की है, 10 टैंकर चारों तरफ लगाए हैं पानी के, पीने के पानी के, स्वच्छ आ रहा पानी के, वो भी पानी भी सबको पीने, ताकि असुविधा ना हो, ऐसी हमने कोशिश की है। सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा देखिए, सुरक्षा का तो हम वैसे बैरिकेड लगा रहे हैं, डबल बैरिकेड लगा रहे हैं, गैलरी बना रहे हैं जिसमें पुलिस वाले खड़े होके, ताकि पब्लिक अंदर ना घुस पाए जहाँ पर रावण लगे हुए हैं। बैरिकेड के हम अच्छे प्रबंध कर रहे हैं अपनी तरफ से, जिससे कि पब्लिक अंदर ना आ पाए। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक चोपड़ा है। मैडम, कल रावण दहन किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? मैम, रावण दहन ये हम लोग की एक परंपरा है, हम लोग हर साल, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसमें बुराई पे अच्छाई की एक विजय दर्शाता है ये कार्यक्रम, और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और ये ऐसे ही चलती रहेगी। सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम होंगे? यहाँ पर तीन जो है, यहाँ पर कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ और सबसे लंबे हैं। कई बार देखा जाता है कि जो भले ही इको फ्रेंडली हो पटाखे, लेकिन फिर भी जो आतिशबाजी है वो कई बार इधर उधर लोगों को भी लग जाती है, पटाखे फूट जाते हैं, लोग हटते नहीं है, सुरक्षा अपनी देखते नहीं है, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? कितना गैप दिया जाएगा रावण और लोगों के बीच? देखिए मैम, जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है,
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर ब्रिगेड हमारी यहाँ पे दो गाड़ियाँ रहेंगी और एक और बाहर की तरफ हमारी गाड़ी रहेगी और उनकी लोकेशन वगैरह हम लोगों ने देखी है। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जो हम लोग इस प्रकार की पहली बार कर रहे हैं और हम लोग को यहाँ पे पता नहीं है, हर साल होता है और ऊपर वाले भगवान जी रामचंद्र जी की कृपा से आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। बहुत बढ़िया रहता है हमारा कार्यक्रम। और सालों से रावण दहन किया जा रहा है यहाँ पर इस ग्राउंड में? 29 साल से ये रावण दहन की ये इसी ग्राउंड में होता रहा है और ये जो भी हमारी कमेटी के प्रधान जी है डॉक्टर कौशल बाटला जी उनके ही अध्यक्षता में किया जाता है, हर बार किया जाता है और बड़ी धूमधाम से किया जाता है। मैं आपके चैनल से पूरे फरीदाबाद निवासियों को एक निमंत्रण देना चाहता हूं, कृपया करके वो कल अवश्य आएं और हमारे हमारी जो दशहरा है उसकी एक छवि को देखें और इस छवि में चार चांद लगाएं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।